enjoy my time, guys. भगोना छुपा दी दोस्तों. अगर वीडियो ऑन करता है तो उसके में ज्यादा चीज डाल दिया जाता है, वैसे में भी ज्यादा चीज पड़ेगी गाइस. चैनल. सो दिस व्लॉग इज काइंड ऑफ पॉइंटलेस व्लॉग. तो अभी जो जो होगा हमारी लाइफ में वो आपको दिखाते जाएंगे, और आई डोंट नो ये व्लॉग कितना बड़ा और कितना छोटा बनेगा. और हम जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के घर, उसके बाद हम जाएंगे सरोजनी नगर मार्केट. और मुझे लग रहा है दिस इज़ माई लास्ट विजिट टू सरोजनी मार्केट, तो इट्स काइंड ऑफ सम इमोशनल फीलिंग्स. और इमोशनल में कहीं बह के मैं ज़्यादा शॉपिंग ना कर लूँ, बट मैंने डिसाइड किया है मैं वही खरीदूँगी. मैंने से टू डू लिस्ट बना लिए, क्योंकि वहाँ जाके आपका मन ऐसे बहक जाता है, फिर आप ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो. तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है वही हम खरीदेंगे. सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ. और हम बहुत ऐसे कम्फी से कपड़ा पहन के जा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट में जाना है ऐसे धम धुम लड़ते भिड़ते, ऐसे मेहनत करके बहुत कुछ खरीदना होता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे हमें एनर्जी चाहिए. इसलिए हमने नाश्ता भी किया है और हम ऐसे कम्फी से कपड़ा पहने, ताकि हम अच्छे से जंग लड़ सकें. और अभी जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर, तो वो शायद मुझे लंच खिलाने वाली है, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. तो लेट्स गो. मार्केट के अंदर घुसने से पहले मेट्रो के बगल में ये सारे टॉप्स वगैरह मिलते रहते हैं 100, 150 के. और यहाँ पे ईयरिंग्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे 100 में 4. उसके बाद हम अंदर गए, ये कुर्ती की शॉप ऐसे स्टार्टिंग में ही पड़ती 250 की पड़ती 450. और यहाँ पे कुर्ती बहुत अच्छी होती है, मैंने भी कई बार लिया है. फिर यहाँ से हमने कुछ कार्गो टाइप के पैंट्स लिए, और यहाँ बैंगल्स का तो भरमार था, समझ ही नहीं आया था कौन सा बैंगल है, सारा ही इतना प्यारा प्यारा था. उसके बाद हमने कुछ बैंगल्स खरीदे. और यहाँ पे 100 के टॉप्स थे, जिसमें कि बहुत अच्छे टॉप्स भी निकल जा रहे थे. आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. बाकी ये बहुत ज़्यादा रश वाला दिन था, कोशिश करो वीकेंड पे मत आओ, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास उसी दिन टाइम था, तो हम वीकेंड पे ही आए थे. लड़ते भिड़ते कैसे कैसे हमने सामान लिया. उसके बाद हमने बैग्स खरीदे, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे. उसके बाद हम वापस आके बहुत ज़्यादा थक चुके थे. हमने सोचा कि हम हवा में अच्छा सा पोज देंगे, बट हमारे सामने से हवा ही बंद हो गई है. हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा लिट्टी चोखा खाते हैं. बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था और मुझे क्रेविंग इतने दिनों से हो रही थी, तो हमने लिट्टी चोखा खाया. ये ओके था, लेकिन मेरी क्रेविंग को सेटिस्फाई किया था. अब हम घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा हॉल. गाइस, वी आर बैक फ्रॉम सरोजनी, और हम झोले भर के सामान लेके आए हैं, और हमने ज़्यादा महंगी शॉपिंग नहीं की आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ता, ये हमें पड़ा था 250 रुपये. एक हमने ये कार्गो पैंट्स ली, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो ये हमें पड़ा था 250 रुपये में. एक जगह ये 300 की भी मिल रही थी, आप वैसे खोज लेना मार्केट में, जहाँ पे सबसे सस्ता मिले वहाँ से लेना. नेक्स्ट डे ये टॉप,
ये टॉप ऐसे ना मतलब 90-90 रुपये का टॉप पड़ा होगा, उसमें से आपको खोजना पड़ेगा। इसमें से हमने खोज के 90 का लिया था, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। नेक्स्ट है ये टॉप, ये ऐसे आप इनर वियर जैसे पहन सकते हो, ऊपर से कुछ लेयर कर, बहुत क्यूट लगता है ये। तो ये मैंने लिया है 80 रुपये में, बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे मैंने अमेजोन्स वगैरह पर देखा है, वो पता है 200-300 के मिलते हैं, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टॉप है ये, ये 100 का पड़ा था। हाँ, और ये बहुत ब्यूटी लग रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं है कि 100 रुपये का है, ऐसा लग रहा है किसी ब्रांडेड शोरूम से अभी भी बाहर आया है, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी है ये टॉप। ये बहुत क्यूट सा टॉप है, क्रीम कलर का है, उसका नेक बहुत ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। ये भी मुझे पड़ा था आई थिंक सो 80 रुपये का। एंड इसके बाद हमने लिया ये बहुत ब्यूटी सा चोट पैक, जिसके आजकल मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये हमें पड़ा था 150 रुपये का। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये दो क्यूट क्यूट बो, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, इससे पीछे हेयर में लगा लो तो हम पहनेंगे इसे। ये हमने लिया था 50 का 2। और ये हमने ये बैंगल्स लिए, ये हमें पड़ा था 200 के 2 पड़े हैं। दीज आर दिस बैंगल्स आई गॉट दिस प्रिटी प्रिटी इयर रिंग्स, ये हमें 30 रुपये की पड़ी है, जो कि मुझे आजकल हर जगह 100-100 रुपये की दिखती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था तो मैंने ले लिया। और उसके बाद पन्नी, इसमें मदद के मिलता है हमें, और हमारे सारे कपड़े अभी से हमें पहने होंगे। ज़्यादा थक चुके हैं शॉपिंग करके, तो हम फटाफट से इस कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। भगोना चुरा छुपा दिए दोस्तों, यहाँ उसने मैगी बनाई है हमारे लिए, बहुत टेस्टी टेस्टी, क्योंकि हमें लिट्टी चोखा खा के हमारा पेट नहीं भरा था। पर तुम एक बार बनारस आना, वहाँ का खाना वहाँ का बहुत टेस्टी होता है। यस, वाली मैगी मिल रही है, अरे महंगी बोलना था, महंगी वाली मैगी मिल रही है, इसमें चीज़ डाल के मिल रहा है हमें, बिल्कुल चॉपिंग के साथ मस्त। ये होता है ना जब ब्लॉगर वीडियो ऑन करता है तो उसके में ज़्यादा चीज़ डाल दिया जाता है, वैसे में भी ज़्यादा चीज़ पड़े गाइज। अच्छा, उसके में भी ज़्यादा पड़ा है, बराबर बराबर। मैं आइसक्रीम खाते खाते घर आ गई, उसके बाद मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, फिर हम रात में गए सिलेंडर भरवाने के लिए, फिर वहाँ से हमने कुछ समोसे और ब्रेड पकौड़े लाए, क्योंकि मुझे फिर से बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हमने वो खाया। उसके बाद हमें बहुत सारा काम था प्रोजेक्ट का, तो वो हमने करा। मैंने बनाया है व्हाइट सॉस पास्ता, स्क्रैच से एंड तक है। मैंने फर्स्ट टाइम पास्ता बनाया है, वो भी व्हीट फ्लावर से, तो ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है और कुक भी बहुत सही हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। व्हाइट सॉस इज़ माई लव, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं बना दूँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल वाला था, ख़राब भी हो सकता था, अच्छा भी हो सकता था, तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, बट आपके लिए दोबारा बना दूंगी। सो टेस्टी।